हाय एवरीवन, आज हम आए हैं वैष्णो माता विद फैमिली और अभी हम स्टेशन पे पहुंच गए हैं। अभी हम जा रहे हैं टूवर्ड्स कटरा, जहां से मेन जो चढ़ाई है माता जी की वो स्टार्ट होगी। और ये रेलवे स्टेशन है यहां पे, और यहां से निकलते ही आपको ऑटो मिल जाएंगे, तो हम ऑटो लेने वाले हैं अभी। और अभी सुबह के 7 बज गए, हम आए थे 6 बजे वाली ट्रेन से, और अभी यहाँ से आधा घंटा लगेगा हमें स्टार्टिंग पॉइंट पर जाने के लिए। अंदर एंट्री करते ही आपको ऐसा कुछ रोड मिलेगा और यहाँ से हमारी यात्रा स्टार्ट हो जाएगी। बोलो जय माता दी। सो अंदर घुसने के बाद दो रास्ते हैं, ये नया ट्रैक तारकोट मार्ग इधर से जाएगा और एक ये वाला रास्ता यहाँ से जाएगा, तो हम जा रहे हैं पुराने वाले रास्ते से। तो हमने स्टार्ट की थी अपनी जर्नी 8 बजे से, जो मेन गेट है वैष्णो देवी माता का वहाँ से, और अभी 9:50 हो गए, तत्काल का टाइम हो गया है। अभी हम करेंगे तत्काल की टिकट्स, बिकॉज कल हमें जाना भी है। और 1.5 घंटे में हम पहुँच गए हैं ऑलमोस्ट अर्धकुंवारी, 1.5 किलोमीटर बचा है यहाँ से, और भीड़ इतनी है नहीं। जून का महीना है, टुडे इज 13th of June। आगे बने रहिए हमारे साथ। सो अर्धकुंवारी से पहले ये वाला आएगा, इसमें है भवन वाया हिमकोटी मार्ग, ये है 5.5 किलोमीटर, दूसरे वाला है 6.5 किलोमीटर। अर्धकुंवारी रास्ता आ जाएगा यहाँ से, लेकिन हम 5.5 किलोमीटर वाला ही लेंगे, छोटे वाला, 1 किलोमीटर कम है, बिकॉज भवन पे मेन तो भवन पे जाना है। और आज से हम अर्धकुंवारी वाले रास्ते से उतर जाएंगे। अरे भैया, यही एक चेक पोस्ट आएगी इसके बाद, इसमें थोड़ी सी भीड़ भाड़ है, और यहाँ पे लंगूर भी बहुत सारे मिलेंगे, लेकिन ये आराम से ऊपर रहते हैं, आपके पास नहीं आते बैग वैग छीने, जैसे कई जगह होता है, एकदम सेफ। और अपने बच्चों के साथ बैठे हैं, बढ़िया। तो अभी टाइम हो गया है 9:10:40 और हमारी तत्काल टिकट भी वेटिंग में चली गई हैं दोनों। वंदे भारत की है 30 वेटिंग और मालवा की है 10 वेटिंग। होप सो रात में क्लियर हो जाए, नहीं तो फिर बस देखनी पड़ेगी, स्लीपर बस है ना। वो यहाँ नेटवर्क नहीं आते, ओनली जियो की सिम लेना आप ले रहे हो तो। एयरटेल की सिम ली थी, चालू तो जाते 10 मिनट में, बट ऊपर नेटवर्क नहीं है, बट जियो के अच्छे नेटवर्क है यहाँ पे। कॉफ़ी डे बीवरेजेस ये बढ़िया है यहाँ भाई, यहाँ मतलब क्वालिटी चीज़ें मिल जाती है, आप ले सकते हैं। अभी बच गए हैं 10:55 और कॉफ़ी और इसका ब्रेक लेते हैं नेस्कैफे और उनका, मतलब अच्छे अच्छे पार्लर्स हैं यहाँ पे। तीन चीज़ें ध्यान में रखनी है, RFID जो मेरे पास है जेब में, या तो स्टेशन पे ले या बस स्टैंड पे जहाँ पे भीड़ कम हो वहाँ से ले लें। सेकेंड इज एक लोक लेके आए अपना, क्योंकि ऊपर लोकल्स में कभी कभी भीड़ हो जाती है, तो आप अपना लोग यूज़ कर सकते हैं। सो 1-2 मिनट में काम हो जाएगा, अदरवाइज 2-3 घंटे लग जाएंगे अगर भीड़ हुई तो। ये वाला डंडा ले लें, काम का है काफ़ी, थोड़ा बहुत मतलब 10% जो ये स्टिक है ये हेल्प कर देगी आपकी ना, इतने आप ज़्यादा एनर्जी ड्रेन नहीं करनी पड़ेगी। भवन है 3 किलोमीटर और हमें ऑलमोस्ट 3 घंटे हो गए, थोड़ा रुक रुक के भी चले थे आते हुए, और यहाँ पे क्या है भीड़ काफ़ी कम हो जाती है, यहाँ पे और ऊपर जो वेदर है काफ़ी मतलब ठंडा हो गया है, नीचे कंपैरिजन में ठीक है। और इस तरफ बड़ी हवा चलती रहती है तो पसीना वसीना आएंगे नहीं जून के मंथ में, और बाकी टाइम तो सर्दी रहती है। यहाँ ऑलमोस्ट 70 ईयर्स एज वाले भी चढ़ रहे हैं, तो डेडिकेशन और जो माता की उन पर कृपा है। बैटरी कार नहीं लेनी तो ये वाले यूज कर सकते हो, डंडा पकड़ के इससे क्या है पीछे वाले के 80% हो जाएगा और हमारा 120% हो जाएगा, थोड़ी सी हेल्प हो जाती है और तो कोई बात नहीं है। जो डंडी के सारे लोग चढ़ रहे हैं जिनके पैर नहीं है, तो आप तो पहले। एंड हियर इज द हेलीकॉप्टर, वो गया जम्मू से भी एसी सर्विस और कटरा से भी है।
तो आप ले सकते हैं और ऊपर भवन तक जाता है, पहले संजीत तक तक। अमूल बादाम से मिलते रहेंगे आपको, पीते रहिए। यहाँ पे रेट्स हाई नहीं है, जो नेस्कैफे और जो अमूल के हैं वो जो नीचे रेट्स हैं वो सेम रेट्स हैं, सो आप ले सकते हैं। और ये जो है यहाँ से शायद भवन दिख जाएगा आगे, लास्ट कुछ 2 किलोमीटर बच रहे हैं और टाइम है 11:30, सो बाय 12:30 हम वहाँ पहुँच जाएंगे। तो 4 घंटे ऑलमोस्ट मान सकते हैं आप नॉर्मल स्पीड में ब्रेक्स लेते हुए। ये कितना लोड लेके जा रहे हैं बेचारे, 2, 2, 4, 6, 7 आदमी हैं, बहुत ही मेहनत करते हैं भाई। सबसे पहले भवन दिखेगा आपको इस तरह, वो सामने जो वाइट वाला है बिल्डिंग से, वो यहाँ से है 1 किलोमीटर। टाइम हो गया है 11:50, 3-4 घंटे हो गए, 3 hours 40 minutes अप्रोक्स, और अब भवन दिखने लग गया, 1 किलोमीटर बचा है लास्ट का, तो चलते रहिए। और जय माता दी बोलते रहिए, पहुँच जाओगे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। लस्सी ले लिए, आइस टी है, लेमन आइस टी, हाइड्रेट रखो खुद को, पीते रहो। बस सामने है भवन, इधर कुछ 800 मीटर बच रहा है, लेकिन लगता नहीं 800 मीटर, 1800 मीटर बचता है, बहुत दूर है। तो ये लास्ट का जो आपका फेज रहेगा आखिरी का 800-900 मीटर, उसमें ऐसा आएगा, ये काफ़ी अच्छा व्यू है, पहाड़ एकदम ऑलमोस्ट इंक्लाइंड है, और ये फ्लैट चढ़ाई है, मतलब इनिश स्टार्टिंग में अर्थक्वारी वाला जो रास्ता है वहाँ तक थोड़ी सी स्टीप है, उसके बाद आप इजीली चल सकते हैं। और शेड बनी हुई है आजकल, तो काफ़ी टाइम पहले बन चुकी है, धूपी को टेंशन नहीं है, बस चलते रहो। और अभी 12:30 बजे हम एंट्री ले लेंगे। ये यहाँ का लास्ट चेक पॉइंट, यहाँ पे आपकी कंप्लीट चेकिंग की जाएगी, सामान वामान क्या ले रहे हो, और काफ़ी भीड़ रहेगी यहाँ, यहाँ पे 10-15 मिनट लग जाएंगे, डिपेंड्स अपॉन कितना क्राउड है, और उसके बाद आप निकल सकते हो। उसके बाद मेनली आपको काम रहेगा लॉकर्स लेना, जहाँ पे आप अपने मोबाइल से डिपॉजिट कराएंगे। ऊपर पहुँचने के बाद लॉकर वाली जगह कुछ ऐसी होगी, और अभी तो भीड़ कम है। और रोपवे का भी यहाँ से लेफ्ट में है नीचे, और जो भैरव बाबा तक लेके जाएगा आपको, उसके लिए 2 घंटे लगाने पड़ेंगे भाई आपको। ऊपर बोझ आपको मिलेगा दुर्गा भवन, यहाँ पे बोझ नाले की भी व्यवस्था है, एंड यहाँ से एंट्री गेट स्टार्ट होती है, अंदर वही दर्शनों की लाइन है, और लोकर आप इशू कराएं उसके बाद ही आपको एंट्री कराना मौका मिलेगा। तो अभी बच गए हैं 2:40, और हमने दर्शन कर लिए थे 1:30 बजे, और उसके बाद खाना पीना खाया, थोड़ी टाइम उसमें लग गया, 1 घंटा लग गया प्रोसेस में। अभी हम चढ़ रहे हैं भैरव बाबा के लिए, और ये है 2 किलोमीटर, इसकी चढ़ाई 2 किलोमीटर की है, और अभी 2:45 हो रहे हैं, देखते हैं कब तक पहुँचेंगे, इधर भीड़ कम है थोड़ी सी, ठीक है, लेकिन ये वाली बोलते थोड़ी सी ज़्यादा स्टीप है, खड़ी चढ़ाई है, और अगर आपको ये नहीं लेना है तो रोप वे ले सकते हो, उसके लिए 4 घंटे लाइन में लग सकते हो, और 100 रुपीज़ टिकट है, पहुँचा देगा 5 मिनट में, उसको ऑनलाइन बुक करो तो फ़ायदे में रहोगे। ये रास्ता है भैरव बाबा वाला, और काफ़ी चिल्ड माहौल है भाई, 1.5 किलोमीटर समथिंग बचा है। जय बाबा की। तो हम पहुंच गए अभी भैरव बाबा के, और हमें टाइम लगा है 1/2 घंटे में, हम यहाँ पहुंच गए हैं, बस अभी यहाँ से प्रसाद लेंगे, भैरव बाबा के दर्शन करके फिर नीचे की तरफ उतरेंगे। 2 किलोमीटर का है यहाँ पे, आप प्रसाद के और पानी आप साथ में लेके चलें, अच्छा रहेगा, और अभी भीड़ काफ़ी है। और ये है रोप वे का, ऊपर से नीचे 100 रुपये लगेंगे भाई, ऐसा घोड़े वाले खतरनाक चल, यहाँ पे जाने के लिए इतनी भीड़ नहीं, लेकिन आने के लिए बहुत भीड़ होती है। और ये हम आ गए हैं ऑलमोस्ट अपने पॉइंट पे, श्री भैरव बाबा लंगर, नीचे लंगर भी है, और बहुत ही अच्छी हवा चल रही है, एकदम ठंडी चिल्ड जून में, धूप भी गायब है। तो भैरव बाबा के दर्शन भी हो गए हैं 10 मिनट में,
अभी थोड़ा बाहर मौसम का आनंद ले लेते हैं, ठंडी हवा चल रही है, काफ़ी वर्कआउट हो गया है, ऑलमोस्ट 17 किलोमीटर से 16 किलोमीटर चल रही है। भीड़ तो काफ़ी है और ये जो एरिया है यहाँ पे आप अगर मौसम ठीक है तो भाई तगड़ी हवा चलती है, बिकॉज आस पास खुला है, पहाड़ी पहाड़ है और वो है सामने हेलीपैड। तो अभी भैरव बाबा के दर्शन हो गए हैं और बस अब जाने वाले हैं नीचे। यहाँ से 11.5 किलोमीटर है, 14.5 किलोमीटर कटरा, और अभी मौसम और क्या बहुत अच्छा, ये पहाड़ है और पूरी फैमिली हम जो आए थे, और इधर बहुत ही बढ़िया अच्छा मौसम हो रखा है, बादल बादल और सूरज वूरज है नहीं अभी, और बारिश का मौसम हो रखा है, बहुत ही अच्छी जगह है, रिलैक्सिंग एकदम। और यहाँ से हमको लगेंगे 3 घंटे अप्रोक्स। ये बोर्ड लग रहा है कटरा है, 11.3 किलोमीटर। तो अभी हमने स्टार्ट कर दिया है नीचे जाने के लिए, 11.3 किलोमीटर्स है यहाँ से कटरा, और आप रोप वे या फिर जो घोड़े हैं उनका भी यूज़ कर सकते हैं, घोड़े का चार्ज 1000 रुपये है, और अगर आपको बैटरी कार या फिर रोप का यूज़ करना है तो 1 महीना मिनिमम पहले बुक करना पड़ेगा। रोप वे के लिए यहाँ भी कर सकते हो, बट 3-4 घंटे खा जाएगा, सो बाकी डिपेंड करता है आप पे कि यहाँ पे आपको टाइम थोड़ा वेस्ट ही हो जाएगा, है ना, इतने में आप चढ़ के निकल जाओगे। और मौसम बहुत बढ़िया हो गया है, बारिश का वेट कर रहे हैं हम तो। अरे ये देखो बंदर, यहाँ पे हिरण भी है, तो नीचे उतरते टाइम हमने पहली स्टेयर्स ली है, ये काफ़ी लंबी है क्योंकि नीचे उतरते टाइम सहम क्या होता है कि इतनी एनर्जी वेस्ट नहीं होती, और पापा हमें भी यहीं से उतर रहे हैं, काफ़ी जनता यहीं से उतर रही है 80%, और मौसम अच्छा हो रहा है, बढ़िया, थोड़ी आंधी चल रही है, मिट्टी भी उठ रही है। वहाँ से हमको कटरा रेलवे स्टेशन भी दिखता है, बस स्टैंड भी दिखता है, इफ़ यू कैन आइडेंटिफाई, एक क्रिकेट ग्राउंड भी अच्छा सा, इसमें रेलिंग के साथ साथ चलते रहो और आराम से, और उतरने में हमको लगेगा सिर्फ कुछ 2-3 घंटे मैक्सिमम इजीली। मौसम बहुत ही बढ़िया हो रखा है और हवा चल रही है तकड़ी, बंदरों से सेफ रहे, कैमरा मोबाइल ना निकाले, उनके सामने आ गया एक बंदर। तो अभी हमने 2 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर लिया है और अभी हम आ गए सांझी छत, जहाँ पर कि हेलीकॉप्टर हेलीपैड है पुराने वाला, बंदर आ गया भाई। ये है सांझी छत जहाँ पर पहले हेलीपैड यही था पुराने वाला, और अब 2 किलोमीटर आ गए हैं और जा रहे हैं नीचे की तरफ, और हेलीपैड के पास मतलब यहीं पे सांझी छत पे प्रसाद मिलता है, हलवा बहुत ही टेस्टी। पूरी भवन का रास्ता 3 किलोमीटर, भैरव घाट 2.6 किलोमीटर, बच गया है 9 किलोमीटर भाई, घोड़ों से थोड़े बच के भाई, प्रसाद ग्रहण करते हैं, एनर्जी आएगी फिर चलेंगे अच्छी तरह, और मौसम बहुत सुहावना हो रखा है, लेकिन बारिश भी आ सकती है, इसलिए हम थोड़ा स्पीड मेंटेन कर रहे हैं। यहाँ पे आपको प्रसाद मिलेगा आगे जाके राइट, यहाँ से हम प्रसाद ले सकते हैं, चने हलवा और चाय, प्रसाद में हमें मिलेगा हलवा और चने और एक चाय। बारिश भी आ रही है हल्की हल्की, 3 शेड भी नहीं है, रुक गई हवा। आ जाओ तो अभी हम आ चुके हैं अर्थवारी, टाइम हो गया है 5:45, ऊपर से लग गया हमें 1 घंटा 45 मिनट आधे रास्ते आने में, और बारिश आ रही है तो थोड़ा सा मौसम भी चिल्ड हो गया है, और ये है अर्थवारी, वेदर एकदम बढ़िया हो गया है, बिल्कुल भी गर्मी नहीं है बिल्कुल भी, थोड़ी देर यहाँ रुकेंगे उसके बाद बारिश की वजह से थोड़ा रुकना पड़ रहा है, और सब सामने। तो अभी हम उतर चुके हैं अर्थवारी से नीचे और टाइम हो गया है 6:05, थोड़ी देर हम रुक गए थे, बारिश तेज आ गई थी,
और अभी मौसम काफ़ी अच्छा हो गया, सब कुछ गीला और ऐसा हो गया है। और कटरा जो सिटी है वो अच्छे से विजिबल है यहाँ से, और बढ़िया मौसम हो गया। अराउंड 24-25 के आसपास टेम्परेचर है, और यहाँ से अभी हमको एक घंटा और लगेगा शायद, उसके बाद हम नीचे चले जाएंगे और टिकट्स हमारे स्टिल इन वेटिंग, बस कम हो रही हैं, देखते हैं क्या होता है, नहीं तो और कुछ देखना पड़ेगा। स्टेयर्स का यूज़ कर सकते हैं आप व्हेन यू आर कमिंग डाउन, चढ़ते टाइम तो उस टाइम भी कर सकते हैं, बट थोड़ा सा एनर्जी लेवल ज़्यादा चाहिए होता है, बाकी बंदे बंदे पर डिपेंड करता है। चलो जय माता दी, चलते रहिए। सीढ़ियों की संख्या 526 है, नीचे से ऊपर में भाई हालत ख़राब, लेकिन ऊपर से नीचे हम जा सकते हैं। तो ये रूट लेने वाले हैं और टाइम हो गया है 6:40। ये नीचे बारिश नहीं आई, ये ऊपर ऊपर बारिश थी। ये भाई साहब 500 की सीढ़ी चढ़ के ले जाएंगे, अपने से 3 गुना वेट ले रहे हैं भाई साहब। इतना मेहनत, इतनी मेहनत बैंक कर रहे होल फैमिली मसाज, बढ़िया हो रहा है यहाँ हाइस पे बैक पे। मैं तो बने जूस बोल रहा हूँ, यहाँ पे जूस मिल जाएगा, और 2-3 टाइप के 30 वाली 50 वाली 80 वाली जो ठीक लगे वो करवा लेना, ऊपर साइज तक होनी चाहिए। सो अभी फाइनली हम आ गए नीचे, और अभी टाइम हो गया है अप्रोक्स 8 बज गए हैं, नीचे आ गए हैं, और ऊपर वो भवन देखो दिख रहा है थोड़ा बहुत, वो सब कुछ तय करके आए हैं। RFID जमा हो गई है और सभी चल रहे हैं वापस। जय माता दी। सो आ गए हैं हम कटरा रेलवे स्टेशन पे, और हमने बुक की है ट्रेन अपनी जम्मू से, जम्मू से हमें कंफर्म मिल गई थी। सो अभी हम जाएंगे जम्मू और वहाँ से है ट्रेन। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे हैप्पी एंड प्लीज़ विजिट माता वैष्णो देवी। जय माता।